माता पिता ने किया बेघर, तो 6 साल तक गुफा में रहा ये बच्चा अब हो गया है ऐसा। एक माता पिता ने घर पर लेट आने के कारण बच्चे को खूब डांट लगाई और भला बुरा कहा, जिससे नाराज होकर एक बच्चा घर से चला गया और करीब 6 साल तक एक गुफा में रहा। जाने क्या है पूरा मामला। उसने अपने दादाजी से पूछा कि क्या मेरा इस घर में कोई हिस्सा है। अपने पोते की इस बात को सुनकर दादाजी ने कहा कि इस घर में तेरा इतना ही हिस्सा है जितना तेरे पिताजी का है। अब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस बच्चे ने आखिर इसके बाद क्या किया होगा। दादाजी ने जब घर में उसका हिस्सा होने के बारे में बताया तो उसने खुद का अलग से बेडरूम बनाने की ठान ली और इसके लिए घर के एक हिस्से में ही खुदाई करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं खुद के लिए अपना बेडरूम बनाऊंगा। लगभग 2 सप्ताह की मेहनत करने के बाद आंद्रेस कैंटो ने ये कारनामा कर दिखाया और अपने लिए लगभग 12 मीटर गहरी गुफा खोज डाली और इसमें एक बेडरूम के साथ एक लिविंग रूम भी बनाया। इस पूरे काम में आंद्रेस कंटो की मदद उसके सबसे निजी दोस्त एंदू ने की। काम पूरा होने के बाद आंद्रेस कैंटो 6 साल इसी गुफा में रहा और नाराज होकर गुस्से में किए गए इस कार्य ने इतिहास रच दिया। आज अपने इसी काम के बदौलत आंद्रेस कैंटो घर बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। उस टाइम की गई थोड़ी मेहनत से ही वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।